पुष्कर विधायक और संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को पुष्कर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रमसा द्वारा करीब 12 लाख रुपए की लागत से बने दो कमरों का फीता काटकर लोकार्पण किया। इससे पहले विद्यालय परिवार की ओर से रावत का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10 की 3 होनहार छात्राओं को गार्गी पुरस्कार की राशि के चेक भी प्रदान किए गए। पत्रकारों से बातचीत में रावत ने बताया कि विद्यालय की मांग और आवश्यकता के मद्देनजर कक्षा कक्षों का निर्माण कराया गया था, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में कोई परेशानी न हो। रावत ने कहा कि तीर्थ नगरी पुष्कर के चौमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, हर क्षेत्र में विकास की संभावनाओं के अनुरूप कार्य करवाए जाएंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष कमल पाठक, शिक्षा समिति के अशोक सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, उपाध्यक्ष मुकेश कुमावत सहित कई लोग मौजूद रहे। रमसा द्वारा निर्मित राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुष्कर के दो कक्षों का, नवनिर्मित दो कक्षों का लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि ये हमारे विद्यालय की लंबे समय से मांग थी। और जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया था तब भी हमारे क्षेत्रवासियों ने कहा कि हमारे बच्चों के बैठने की समस्या होती है। तो चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, मैं रमसा के अधिकारियों से, जो तत्कालीन गुप्ता जी थे, उनसे बात करके और यहाँ दो कमरे स्वीकृत कराए। रमसा के तहत जो दो निर्मित हुए हैं दो कमरे, उनका उद्घाटन था सुरेश जी एमएलए साहब की तरफ से, और बहुत समय कम रहा उनके पास, इस कारण से अल्प कर दिया, कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया। और अब जो ये करीब 12 लाख की लागत से बने हैं, और अब जो है हम दो तीन बच्चे हैं जो गार्गी के तहत उनको पुरस्कार मिले हैं, तीन हजार के चेक हम दे देंगे। तीर्थ नगरी पुष्कर घूमने आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन आवश्यक कदम उठाना शुरू कर दिया है। पर्यटन पुलिस और जिला पुलिस की ओर से गुरुवार को स्थानीय होटल सरोवर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से कैमल सफारी यूनियन के सदस्य, विदेशियों को बाइक्स किराए पर देने वाले दुकानदार और होटल मालिक सहित पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को बुलाया गया। बैठक में पर्यटन सहायता दल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सैयद मुस्तफा अलीजादी, सीओ ग्रामीण ज्ञान प्रकाश नवल ने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों से विचार विमर्श कर आवश्यक सुझाव दिए। होटल ऑनर एसोसिएशन की ओर से राजेंद्र महावर ने सुझाव देते हुए बताया कि कम कपड़े पहनकर बाजारों में घूमने वाले विदेशी महिला पर्यटकों के लिए संबंधित होटल मालिक को पाबंद किया जाए कि उन्हें पूरे कपड़े पहनने की सलाह दे। महावर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए छोटे बच्चों द्वारा कैमल सफारी पर भी आपत्ति दर्ज कराई। बैठक में कैमल सफारी के दौरान कुछ मापदंड तय करने पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने कैमल सफारी यूनियन के लोगों से आवश्यक जानकारियां जुटाने के बाद मुख्य बिंदुओं को नोट कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए। सीओ ग्रामीण ज्ञान प्रकाश नवल ने बैठक के दौरान उपस्थित लोगों को एकजुट होकर ड्रेस कोड तय करने, छोटे बच्चों को कैमल सफारी नहीं कराने, बिना यातायात नियमों के बाइक्स किराए पर नहीं देने सहित अन्य मुद्दों को आपसी समझदारी से हल करने का सुझाव दिया। बैठक में पुष्कर थाना प्रभारी नंदराम भादु, पर्यटन सहायता दल के प्रभारी गोकुल सिंघाड़ा, रेस्क्यू कमेटी के अध्यक्ष अमित भट्ट सहित कई जागरूक लोग उपस्थित रहे। पुष्कर के अंदर हमने कैमल सफारी होटल एसोसिएशन और बाइकर्स की एक जनरल मीटिंग भी थी, उसमें इनके लिए रूट चार्ट है, दिशा निर्देश हैं, ड्रेस कोड है, कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, रेट, ये सारे मुद्दे जो थे इस पर डिस्कशन हुआ है। उसके बाद उन्होंने कुछ समय मांगा है कि हम आपस में जनरल मीटिंग करके तय करके और दो तीन दिन में आपको सारी चीजें हम संभाल देंगे। प्रमुख समस्या यही है कि जैसे ड्रेस कोड पूरा नहीं करते, अंडर एज जो है वो चलाते हैं, रूट को फॉलो नहीं करते, आपस में जो इनकी प्रतिस्पर्धा है उसकी वजह से रेट इनको फॉलो नहीं कर पाते, तो ये इस तरह के जो मुद्दे हैं ये उठे थे जिसपे समाधान की भी बात की गई।